इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल का आया तूफान। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया ऐसा कहर कि इंग्लैंड के घातक विस्फोटक गेंदबाजों की उड़ाकर रख दी धज्जियां। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच में जो टेस्ट मुकाबला खेला गया, उस टेस्ट मुकाबले में रोहित शर्मा, विराट कोहली यानी कि भारतीय टीम ने 208 रनों से पहला टेस्ट मुकाबला जीत लिया और इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक आप लोगों को मुकाबला दिखाएंगे कि किस तरीके से रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल और यहां पर रिंकू सिंह का तूफान आया, इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के आगे पानी भरते हुए नजर आए। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला आप लोगों को दिखाएंगे। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज यहां पर यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, रिंकू सिंह और विराट कोहली के आगे पानी भरते हुए नजर आए। आप सभी को बता दें कि जब भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी पहले ही टेस्ट मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और बल्लेबाजी का न्योता यहां पर भारतीय टीम को दिया, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल सबसे पहले मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतर पड़े। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल काफी खुकार विस्फोटक बल्लेबाज हैं, मैदान पर उतरते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और इन दोनों विस्फोटक बल्लेबाजों ने मैदान पर इस तरीके से बल्लेबाजी की इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के पहले ओवर की पहले ही बॉल पर छक्का लगा दिया और बेहतरीन तरीके से शुरुआत की, जहां पर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने एक ओवर में 36 रन ठोक दिए। आप सभी को बता दूं कि 3 छक्के लगातार रोहित शर्मा और 3 छक्के यशस्वी जायसवाल ने पहले ओवर में जड़ दिए। इन लोगों की छक्के चौके की बरसात इस कदर चलती रही कि इंग्लैंड के जो गेंदबाज इनके सामने पानी भरते हुए नजर आए। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चिल्ले में बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी मैदान पर कहर भर कर बल्लेबाजी कर रहे थे। यहां पर रोहित शर्मा तो काफी ज्यादा गुस्से में खेल रहे थे क्योंकि उन्हें वर्ल्ड कप की हार का बदला हर एक देश से लेना है, जहां पर साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ले चुके हैं वो T20 टेस्ट मुकाबले में और एक इंग्लैंड ऐसा रह गया जिससे लेना है। जहां पर रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और रोहित शर्मा ने यहां पर दोहरी नहीं बल्कि तेहरी शतक की पारी खेल डाली, जहां पर हर एक गेंदबाज के पर खच्चे उड़ा दिए। तो यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे रह जाने वाले हैं, उन्होंने भी मैदान पर इतनी तूफानी बल्लेबाजी की कि यहां पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज किस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं। ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर घातक से घातक जो है गेंदबाजों को रुला रहे थे, लेकिन 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब घातक विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल जैसे खुकार विस्फोटक बल्लेबाज 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर कैच आउट हुए, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने 80 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। ये देख रविंद्र जडेजा, बुमराह, सिराज, ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़ भी इनके लिए तालियां बजा रहे थे क्योंकि यहां पर यशस्वी जायसवाल ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी की और अभी तक यशस्वी जायसवाल ने जितने भी मुकाबले खेले हैं किसी भी मुकाबले में फ्लॉप नहीं रहे, ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चिल्ले में बल्लेबाजी की है। रोहित शर्मा का यशस्वी जायसवाल ने बखूबी साथ दिया और 8वें ओवर की दूसरी बॉल पर जब कैच आउट हुए तो यहां पर मैदान पर खुकार विस्फोटक बल्लेबाज की वापसी हुई। जी हाँ, हम आप सभी को बता दें कि यहाँ पर खुकार विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने मैदान पर आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी दूसरे नंबर पर आते हुए और यहाँ पर रोहित शर्मा के साथ ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, जहाँ पर इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज इनको देखकर फिर हैरान हुए क्योंकि 12वें ओवर में यहाँ पर विराट कोहली ने 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के जड़े, यहाँ पर 13वें ओवर में रोहित शर्मा ने 6 गेंदों पर 5 छक्के और 1 चौका जड़ा, जहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड फिर से बना दिया और युवराज सिंह का भी रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जहां पर मैदान पर सनसनी सी छा गई थी। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा को आउट करने में ताबड़तोड़ विस्फोटक गेंदबाज मैदान पर आ रहे थे क्योंकि रोहित शर्मा काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी ज्यादा वो गुस्से में खेल रहे थे क्योंकि उन्हें पहले ही दिन टेस्ट मुकाबला खत्म करना था और किसी भी हाल में यहां पर जो है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को और कप्तान को पवेलियन का रास्ता दिखाना था। आप सभी को बता दें कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां 18वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा के साथ काफी बड़ा जो है गड़बड़ हो गया। आप सभी को बता दूं कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर 18वें ओवर की चौथी बॉल पर रोहित शर्मा जैसे घातक विस्फोटक बल्लेबाज एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, वो बॉल बाउंड्री के भीतर ही रह गई, जहां पर फील्डर ने खड़े होकर के वहां पर इस बॉल को आसानी से कैच कर लिया, जहां पर रोहित शर्मा आउट हुए। लेकिन रोहित शर्मा ने यहां पर 197 रनों की पारी खेली, जहां पर अपने दोहरे शतक के करीब
जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए और पवेलियन का रास्ता देख गए, यहाँ पर विराट कोहली का साथ देने के शुभमन गिल आए। यहाँ पर शुभमन गिल ने काफी बेहतरीन तरीके से कमबैक किया है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद से शुभमन गिल किसी भी मैच में जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे हैं और हर मुकाबले में फ्लॉप हो जा रहे हैं। शुभमन गिल ने यहाँ पर 31 रनों की नाबाद पारी खेली, लेकिन शुभमन गिल भी कैच आउट हो गए। लेकिन मैदान पर एक ऐसे खिलाड़ी की वापसी हुई जिसका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह ने विराट कोहली का बखूबी साथ दिया और ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। शुभमन गिल, आप सभी को बता दें, जब आउट हुए, स्टंप आउट हुए, तो यहाँ पर रिंकू सिंह ने ऐसी घातक विस्फोटक बल्लेबाजी की जहाँ पर शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रिंकू सिंह वो खुखार विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने मैदान पर आते ही तबाही मचा दी और इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों को बखूबी परेशान किया और उनको अपने आगे पानी भरने पर मजबूर कर दिया। आप सभी को बता दूं कि रिंकू सिंह को महेंद्र सिंह धोनी भी कहा जाता है, क्योंकि रिंकू सिंह काफी खुखार विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करता है। रिंकू सिंह ने अभी तक, आपको बता दें कि यहां पर 20 मुकाबले खेले भारतीय टीम में मिलकर और 20 मुकाबले में सिर्फ वो 7 बार आउट हुए हैं, जहां पर रिंकू सिंह को क्लीन बोल्ड नहीं कर पाता है कोई, जहां पर वो मैच को बिल्कुल फिनिशिंग के रूप में फिनिश करके ही जाते हैं, जहां पर रिंकू सिंह का जो स्ट्राइक रेट है वो भी काफी घमासान है। आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह ने विराट कोहली के साथ ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से बल्लेबाजी करना शुरू किया और यहां पर घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाजों को जमकर फैला। आप सभी को बता दें यहां पर इंग्लैंड के घातक से घातक विस्फोटक गेंदबाज बस इसी बात को लेकर हैरान थे कि आखिरकार एक बल्लेबाज आउट होता है तो दूसरे बल्लेबाज शेर बब्बर शेर खड़ा हो जाता है। आप सभी को बता दें कि भारतीय टीम के घातक विस्फोटक बल्लेबाज जो रोहित शर्मा दोहरा शतक जड़कर गए, जहां पर शुभमन गिल, केएल राहुल ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी की, एक तरफ रिंकू सिंह ने तो मैदान पर तबाही भरी बल्लेबाजी की, जहां पर 137 रन की पारी विराट कोहली ने खेली, लेकिन विराट कोहली भी स्टंप आउट हो गए। आप सभी को बता दें कि विराट कोहली के आउट होने के बाद रिंकू सिंह का साथ देने के लिए मैदान पर श्रेयस अय्यर जैसे खुखार विस्फोटक बल्लेबाज अभी रह गए थे। श्रेयस अय्यर ने आते ही तबाही भरी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और श्रेयस अय्यर ने टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले में 37 रनों की नाबाद पारी खेली थी, जहां पर उस टेस्ट मुकाबले में कई बल्लेबाज फ्लॉप रहे थे, लेकिन यहां पर भी काफी बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी की और काफी अच्छा भारतीय टीम के साथ कमबैक किया। आप सभी को बता दूं, रिंकू सिंह का साथ दिया और 48 रनों की नाबाद पारी खेली, जहां पर श्रेयस अय्यर रन आउट हो गए, लेकिन अभी रिंकू सिंह मैदान पर डटे थे और बुमराह ने जो है 4 रन बनाए और आउट हो गए। रविंद्र जडेजा ने घातक विस्फोटक बल्लेबाजी, क्योंकि रविंद्र जडेजा को ऑलराउंडर बताया जाता है, बैटिंग से लेकर गेंदबाजी तक और गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक काफी बेहतरीन विस्फोटक ऑलराउंडर है। रविंद्र जडेजा ने ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से मैदान पर रिंकू सिंह का साथ दिया और ताबड़तोड़ तरीके से बल्लेबाजी की, जहां पर रविंद्र जडेजा ने 41 रनों की नाबाद पारी खेल डाली और रविंद्र जडेजा की घमासान विस्फोटक गेंदबाजी तो सही, यहां पर बल्लेबाजी भी इतनी ताबड़तोड़ की कि हर एक देखकर यहीं पर चौंक गया। यहां पर रोहित शर्मा ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर यहां पर रविंद्र जडेजा के लिए तालियां बजाई।